वेलकम टू स्टैम्प फ्रेंड्स एवरीबॉडी। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होगे। और इसी कड़ी में, हमारे सीखने और सिखाने की कड़ी में, आज मैं लेकर आया हूँ, फिर से निचोड़ के लाया हूँ ग्रामर को, और ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप गलतियाँ करोगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, इसके बिना आप गलतियाँ करोगे टेंसेज में, इसके बिना आप गलतियाँ करोगे सिंगुलर एंड प्लूरल में। सो आपके लिए जानना ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं बात करूँ उस टॉपिक की, चलो आगे बढ़ते हैं और याद करा दूँ, एक बार फिर से रिमाइंड मारूँ और रिक्वेस्ट करूँ आप सभी से कि प्लीज़ पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए हुए आपको स्पीकिंग आ ही नहीं सकती, आप लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते, और आपके अच्छा सॉफ्ट स्किल का जो टर्म्स है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो लेवल नहीं आ सकता है। और एक रिक्वेस्ट है मुझे सारे व्यूअर्स से और सारे लोगों से जो भी कनेक्ट होते हैं जूम ग्रुप डिस्कशन में, कि प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करें अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, क्योंकि जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी, अधूरी है। अगर आप अपने वीडियो को एटलीस्ट अपने बोलते समय, अपनी प्रेजेंटेशन देते समय, अपनी बात रखते समय अगर अपनी वीडियो को ऑन नहीं करते हो, इट्स मीन आपकी प्रैक्टिस अधूरी है, आप वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ अपने वीडियो को ऑन रखने का उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने वीडियोस को ऑन रखते हैं, जैसे कि रितिका है वो अपने वीडियो को ऑन रखती हैं, से ज़्यादा है वो अपने वीडियो को ऑन रखता है, और भी एक दो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को ऑन रखते हैं, और मैंने उनमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है और उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। उनको ही पता है कि उनकी प्रैक्टिस में और उन लोगों की प्रैक्टिस में जो कि अपने वीडियोज़ को ऑन नहीं करते, एक खासा डिफरेंस है, क्योंकि जब तक आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, फेस एक्सप्रेशंस मैं नहीं देखूंगा, मैं कैसे फीडबैक दे सकता हूँ। मैंने दो लोगों को छोड़ के किसी को भी आज तक फेशियल एक्सप्रेशंस पे फीडबैक नहीं दिया है, आर्टिकुलेट्स को यूज़ करने के ऊपर फीडबैक नहीं दिया है, उनकी प्रोनंसिएशन वे ऑफ स्पीकिंग के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं किया है, मतलब फीडबैक नहीं दिया है, क्योंकि वो चीज़ मैं देख ही नहीं रहा, जो चीज़ मैं देख ही नहीं रहा उसे फीडबैक कैसे दे सकता हूँ आँख बंद करके। So it's my request, it's my suggestion for you all that please switch on your video during your speaking, during your presentation. अपने presentation और speaking के दौरान अपने video को on रखें। एक नई लड़की है मंतशा, वो भी अपना video on रखती हैं, जो कि अच्छी बात है, तभी तो एक 100% conversation होगा, तभी तो 100% practice होगा। अगर आपका video on नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आपकी practice complete नहीं है। Okay? सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मैं कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आता हूँ, आज भी ग्रामर के टॉपिक लेके आया हूँ, स्पीकिंग के टॉपिक भी करा रहा हूँ, 230 लेसन्स करा रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप सीखो फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको शेयर करना मत भूलना, शेयरिंग इज केयरिंग। किसी अच्छी चीज़ को चार लोगों तक पहुँचाना भी एक स्वभाव और मतलब धर्म का काम होता है, तो ऐसे भी नहीं कमा सकते हो। इसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो सच में सीखना चाहते हैं पर उनको अभी तक कोई रिसोर्स, कोई माध्यम नहीं मिला। ओके, उम्मीद करता हूँ आप शेयर करोगे। चलो अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, और आज हमारे ग्रामर सेशन में हम करने वाले हैं पर्सन, पुरुष। हिंदी में, हिंदी व्याकरण में इसको पुरुष कहते हैं, इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, पर्सन। बहुत से लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये पर्सन के आगे टॉपिक, जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा है, पर जिन्होंने थोड़ा भी ग्रामर पढ़ा है उनको रिमाइंड हो रहा होगा स्कूल टाइम का, और जो स्कूल में है वो सोच रहे होंगे ये पर्सन होता क्या भैया ग्रामर में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर ये पर्सन होता क्या है। आइए जाने पुरुष और पुरुष के प्रकार, पुरुष को भी जानेंगे और इसके प्रकार को भी जानेंगे, आखिर ये होता क्या है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इससे पहले कि मैं आपको पर्सन पढ़ाऊँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लो 2 मिनट के लिए और सोचो, व्हाई शुड वी लर्न पर्सन एंड इट्स टाइप्स। हमें पर्सन क्यों सीखना चाहिए और इसके प्रकार को क्यों जानना चाहिए, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है। सोचो 2 मिनट के लिए वीडियो को रोको और सोचो इस बात को। देखो सोचना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं सोचोगे, तो आपकी एक जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक पुश नहीं मिलेगा, जब तक आपकी थिंकिंग प्रोसेस को पुश नहीं मिलेगा ये बहुत हार्ड है। ये सब एक सीखने और सिखाने का तरीका है, जो मैं कहता हूँ उसको आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा
और पढ़ने के बाद सोचा भी होगा कि आखिर ये पर्सन होता क्या है, ये सीखे क्यों और सीखने से फ़ायदा क्या है। चलो मैं बता देता हूँ कि फ़ायदा क्या है। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट, यूज एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए पर्सन का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सॉरी ये एक्चुअली एडिट होना मिस हो गया। पर्सन को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मेनी पीपल डू मिस्टेक इन इट्स प्रॉपर यूज़, बहुत से लोग इसके सही इस्तेमाल में गलती करते हैं। आई की जगह पे वी यूज़ करते हैं, वी की जगह पे आई यूज़ करते हैं, अस की जगह पे आई, मी की जगह पे आई, ऐसा मैंने देखा, ही शी इट की जगह पे कुछ भी इस्तेमाल कर देते हैं। सो इसके लिए भी पर्सन का जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, टू शो करेक्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सही पर्सन पुरुष का इस्तेमाल सही जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, तो इसकी भी समझ होनी बहुत ज़रूरी है जो मैं आज बताने वाला हूँ। टू शो करेक्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये सबसे अहम है जब हम पर्सन सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज अ पर्सन। इससे पहले मैं क्वेश्चन का जवाब दूं, आपने ग्रामर पढ़ा है, आपने व्याकरण पढ़ा है, तो आप अपने दिमाग में सोचो दो मिनट के लिए कि आखिर ये पर्सन होता क्या है ग्रामर के अकॉर्डिंग। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप दो मिनट के लिए सोचो आखिर ये पर्सन होता क्या है। सोचा, चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पर्सन होता क्या है। तो दो मिनट के लिए वीडियो को रोको और इसको पढ़ो जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। In grammar, a person is the way of referring to someone taking part in an event. Grammar के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से person उसको कहते हैं जो कोई भी हिस्सा ले रहा हो किसी घटना में, किसी कार्यक्रम में, किसी इवेंट में, जो किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो as a speaker, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक इवेंट है कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इवेंट है कि हम पढ़ रहे हैं, तो इस इवेंट में मैं स्पीकर हूँ। ठीक है, तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं भी पर्सन हुआ। आप सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, लेक्चर को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, इट्स मीन आप भी पर्सन हो जो कि सुन रहे हो। अब मैं कहूँ शी इज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, वो भी एक पर्सन है, वो भी इस घटना में शामिल है। क्योंकि हम, हमारी जो ये घटना चल रही है पढ़ने पढ़ाने की, इस घटना के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, लेकिन हम तीसरे की बात कर रहे हैं, तो तीन लोग इस घटना में शामिल हैं और इन तीनों को ही पर्सन कहते हैं ग्रामर के हिसाब से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, द पर्सन इज टॉकिंग, द पर्सन इज बीइंग टॉक्ड टू। अब ये उसी बात को जो मैंने एक सीधे से एग्जांपल में हिंदी में समझाया है, उसी को अंग्रेजी में थोड़ा टेढ़े में लिख दिया इसने, कि जो बात कर रहा है द पर्सन इज टॉकिंग टू, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी एक पर्सन हुआ। द पर्सन इज बीइंग टॉक्ड टू, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे व्यूअर हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स मीन आप भी पर्सन हुए। और जिसके बारे में हमें बात कर रहा था, वह जा रही थी, वही शी, तो वो शी जो है वो भी पर्सन है क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। चलिए अब इन्हीं तीन चीज़ों को देखते हुए इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर इन इंग्लिश, अगर आपने मेरे लेक्चर को दो मिनट पहले अगर ध्यान से सुना है तो इस सवाल का जवाब देना आपके लिए बहुत आसान है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने प्रकार के पर्सन होते हैं, सोचो, जवाब दो, लिखो। मुझे उम्मीद है सबने तीन बोला होगा, अगर नहीं बोला तो चार भी बोलने वालों की कमी नहीं है, बोल सकते हो, आपके पर डिपेंड करता है। सो थ्री टाइप्स होते हैं, बड़ा ही आसान है, अभी समझाया था, फिर से समझाता हूँ। अब देखो, पहला वाला, तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन आप, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही थी। सीधे शब्दों में, सीधे आसान से लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन किसी भी इवेंट में ग्रामर के हिसाब से फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। अगर आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊँगा। अगर आप बोलोगे मैं सुनूंगा तो मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हो,
तो आप सेकंड पर्सन हुए। अब जैसे तीसरे का हम बात कर रहे हैं, जैसे कि दो लड़कियां बात, जैसे कि हम दोनों बात करते हैं, चलो अब मैं बोलूं कि मेरी मैनेजर जो थी वो बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन अफसोस कि उसकी तबीयत ख़राब है। मैनेजर के बारे में बात किया, तो मैनेजर के बारे में बात किया, इसमें मैनेजर जो हुई मेरी वो थर्ड पर्सन हुई। उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अच्छे से डाउट क्लास में क्लियर करूंगा। क्वेश्चन को लिख लो आप, मुझे डाउट क्लास में संडे को पूछो, मैं संडे को डाउट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा और अच्छे से एकदम विस्तार से बोले तो हिंदी में, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर, इट यूजेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई एंड वी। अब देखो पर्सन जो बेसिकली होता है ये प्रोनाउन का होता है। पर्सन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और पर्सन को अगर मिलाते हैं तो पर्सन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रोनाउन आके घुस जाता है, ठीक है। नाउन भी आएगा लेकिन बेसिकली प्रोनाउन का बहुत रोल होता है पर्सन के फील्ड में। आप समझो पर्सन क्या होता है कि एक पर्सन लो फर्स्ट पर्सन, जैसे कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई हो जाएगा, इसी का प्लुरल बनाएंगे तो वी हो जाएगा, आई मैं वी हम लोग। तो एक है तो मैं हूँ, अगर एक से ज़्यादा है तो वी हैं, समझ में आया। तो ये हम फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि आई एम ए स्पीकर, आई एम द स्पीकर। एग्जाम्पल देखो, आई एम द स्पीकर, वी आर लर्निंग। सो मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तभी तो बात कर रहा हूँ। मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकेंड पर्सन से पहले अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन की कुछ लिस्ट है जो कि आपको राइटिंग और स्पीच के दौरान इस्तेमाल में आने वाला है। पहला आई वी है, आई सिंगलर है, वी प्लुरल है, ये दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना है तो मैं यूज़ करूँगा मी और अस का, जैसे कि शी टॉक टू मी, उसने मुझसे बात किया तो मैं बोलूँगा शी टॉक टू मी। मी लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता शी टॉक टू आई, ये बिल्कुल गलत है। जब मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करूँगा तो मी, अगर मैं सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करूँगा तो आई, और माइन आर्स है, माई आर है। सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने जिनको येलो कलर से अभी हाईलाइट किया है, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट पर्सन के लिस्ट में आते हैं। इसको फर्स्ट पर्सन की तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन का, तो अगले वीडियो को रोको, पढ़ो इसको। सेकंड पर्सन होता क्या? सेकंड पर्सन रेफर्स टू द एड्रेसी, इट यूजेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन यू। सेकंड पर्सन रेफर्स टू द एड्रेसी, इट यूजेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन यू। सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, एड्रेसी, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिसको कुछ लिख रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं जिससे, तो उसको हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। और सेकेंड पर्सन में बस एक लौता एक वर्ड है, किसी भी कंडीशन में बस एक ही वर्ड है, वो है यू। अगर इकलौता है तब भी यू, अगर ढेर सारे लोग हैं तब भी यू, समझ में आया। और इसको अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, यू प्रेफर कॉफ़ी टू हॉट कुकर। तो आपको क्या पसंद है? आपको कॉफ़ी पसंद है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें यू जो आया एज ए सब्जेक्ट आया, और यू क्या है हमारा? सेकेंड पर्सन है। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात, अगर सब्जेक्ट की तरह आए तब भी यू, सब्जेक्ट की तरह आए तब भी यू, ऑब्जेक्ट की तरह आए तब भी यू, बहुत बेनिफिशियल है सेकंड पर्सन, थोड़ा भी कंफ्यूजिंग नहीं है। सेकंड पर्सन सबसे आसान होता है क्योंकि सिंगलर हो तब भी यू, प्लुरल हो तब भी यू, सब्जेक्ट की तरह हो तब भी यू, और ऑब्जेक्ट की तरह हो तब भी यू। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंज है पॉजिटिव में, पॉजिटिव के केस में योस हो जाएगा, योस ये मैं आगे समझाऊंगा, पॉजिटिव के केस को, इसके मॉडिफाई और इन सब चीज़ों को मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बेसिक ग्रामर लेके चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा। लेकिन जैसे ही मैं बुक वन कंप्लीट करूँगा इंग्लिश स्पीकिंग का, मैं डिटेल ग्रामर में घुसूँगा, और उस समय मैं थोड़े थोड़े कुछ कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से, कॉलेज एग्जाम्स के हिसाब से,
और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से उन टॉपिक्स में बहुत डिटेल में घुसूंगा और सारी चीज़ों पर बात करेंगे, केसेस, पॉजिटिव एंड मनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए भी आप ख्याल रखना। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन, तो फटाफट ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा था 15 मिनट हो गया, देखो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन बहुत देर से बोल रहा हूँ, थर्ड पर्सन वही होता है तीसरे गाने में बात करते हैं, दो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं हमेशा तीसरे गाने में बात कर रही होती हैं, शिकायत कर रही होती हैं, या फिर दो लड़के होते हैं किसी तीसरे के बारे में शिकायत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ ही शिकायत करें, लड़के भी शिकायत करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दो लोग बातें कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तारीफ़ कर रहे हैं, शिकायत की जगह तारीफ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूँ, देखो समझो पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश है यहाँ पर मेरी। तो दो लोग बातें कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे ना, अपने बारे में कितने देर बात करेंगे, एक दो चार 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा अपना कहानी, अपनी कहानी जहाँ 10 मिनट में ख़त्म होगी तो तीसरे के बारे में 3 घंटे बात करने वाले हैं। तो वो जो तीसरा इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं ग्रामर के हिसाब से। अब चलो इसको पढ़ते हैं। थर्ड पर्सन रेफर्स टू द थर्ड पार्टी इंडिविजुअल, इट यूजेस द सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही शी इट दे नेम्स लाइक राम सीता। ज़रूरी नहीं है कि ही शी इट ही हो, इस थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, जैसे कि हमारा राम हो गया, श्याम हो गया, अगर दो नाम को एक बार में इस्तेमाल करते हैं राम एंड श्याम तो प्लुरल नाम हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पर्सन जो होता है वहाँ पे ही होगा, प्रेफर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा एग्जाम्पल समझ लो, ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू हॉट कोकर। तो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा ये वाला। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की राइटिंग और स्पीच के दौरान बोलने के लिए। ही शी इट दे, ही शी इट, ये तीन जो है हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, सिंगुलर है और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, और दे जो है हमारा ये प्लुरल है, एक से ज़्यादा जो होंगे तो ही शी इट, ओके ही शी इट, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग थे तो दे वर काइंड टू मी, तो दे इस्तेमाल होगा प्लुरल के लिए। अब एग्जाम्पल्स आप ढंग से पढ़ लेना, जरा रोक लेना वीडियो को, एग्जाम्पल्स पढ़ना, एग्जाम्पल्स पढ़ोगे लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब भी मैं कोई एग्जाम्पल दूँ अपने वीडियो में अपने लेक्चर में, आप कोशिश करो कि उसको एक पेन और कलम और कॉपी लो और उस पर लिखो, क्योंकि आप लिखोगे तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हिम हर जो है इट है, देम, दे की जगह पे देम हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, शी ही की जगह पे, ही की जगह पे हिम आएगा, शी की जगह पे हर आएगा, इट की जगह पे इट ही रहता है, दे की जगह पे देम हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। पॉजिटिव के केस में हिज हर इट्स हो जाएगा, हिज हर इट्स हो जाएगा, हिज हर इट्स। सो ये एग्जाम्पल आप पढ़ो आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा, एग्जाम्पल पर ध्यान ज़रूर दो। ये मैंने सोचा कि लास्ट में एक लिस्टिंग कर देते हैं सिंगुलर प्लुरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज थोड़ा सा SVA का ओवरऑल ओवरव्यू दे दूंगा थोड़ा सा, बहुत से लोग गलती करते हैं SVA के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो ये वाला सेक्शन जो एक, देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है, ये हमारा सिंगुलर है मतलब एक वचन इकलौता वाला, ये बहुवचन है प्लुरल नंबर है, ठीक है समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे आई की जगह पे अगर प्लुरल करना है तो वी करेंगे, और आई की जगह पे अगर आई सब्जेक्ट में आएगा, पर अगर इसको ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करना है तो मी इस्तेमाल करेंगे, और मी अगर ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करना है लेकिन हमको प्लुरल चाहिए तो उस केस में हम अस का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। अब एक SVA का मैंने बोला था एक थोड़ा सा ओवरऑल दूंगा, यू के जगह पे यू ही आएगा, देख लो ही शी इट की जगह पे दे आएगा, इकलौता अकेले ही काफ़ी है सबके लिए। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, ये जो सेक्शन है ये वाला पार्ट, ये जहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या ES लग जाएगा। ये जो सेक्शन है ध्यान दो फिर से, ये जो सेक्शन है सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं तो इनके बाद आने वाले वर्ड में वर्ब में एस या ES लग जाएगा, जैसे कि ही ईट्स, शी ईट्स, इट बार्क्स। तो समझ में आ रहा है, बाकी कहीं भी एस ES नहीं लगेगा, बी क्लियर विद दैट, नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
सो आपका होमवर्क है आज के लिए कि व्हाट डिड यू लर्न इन दिस वीडियो, आपने इस वीडियो में क्या सीखा, ये आपके लिए होमवर्क है। अपनी स्पीच बनाओ, कम से कम एक मिनट की बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ। अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं, केस करने वाले हैं और बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने वाले हैं। वो वाला केस नहीं है, ठीक है, ग्रामर के केस को करने वाले हैं, वो बड़े मजे से करने वाले हैं और जल्दी से फटाफट। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो ताकि और भी ज़्यादा टॉपिक्स कर सकूँ और आप सभी के लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।